गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, बीए के स्टूडेंट के लिए ये हमारा चैप्टर है एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन। इस एंजल लॉ ऑफ कंजप्शन को पढ़ने से पहले आपको तीन बातों को पढ़ना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है आय, व्यय और बचत, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आय का मतलब होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, यानी निश्चित समय में अर्जित की गई धनराशि। जैसे कोई भी किसी भी संस्था में काम करता है और महीने के अंत में उसे सैलरी मिलती है, तो वो प्राप्त की गई धनराशि, धनराशि केवल रुपए के रूप में भी नहीं हो सकता है। कोई सामाजिक सहयोग है, मानसिक सहयोग है, या किसी भी प्रकार का सहयोग है, या उस तरह की आय को भी हम इनकम में काउंट करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इनकम का मतलब है धनराशि, ठीक है। और व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कि विभिन्न प्रतिमानों पर आय को खर्च करना क्या कहलाता है व्यय। यानी कि कुछ कुछ हमारे मद होते हैं, कुछ कुछ हमारी जरूरतें होती हैं, उस पर हम अपने आय को खर्च करते हैं, ये हमारा व्यय कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम जब अपनी धनराशि को खर्च करते हैं तो वो हमारा व्यय कहलाता है, ठीक है। और व्यय आय के बाद जो व्यय करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास सेविंग होती है, बचत होता है पैसे का, उसको हम सेविंग कहते हैं। यानी कि आय प्राप्त की गई धनराशि एक निश्चित समय में, और आवश्यकताओं के अनुसार उस धनराशि को खर्च करना व्यय, और व्यय के पश्चात जो धनराशि शेष बचती है उसको हम कहते हैं बचत। यानी तीन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आय, व्यय और बचत। तो अब बच्चों, हम आपको ले चलते हैं बजट की तरफ। देखिए, हर घर में हाउसवाइफ का बजट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सभी जानते हैं अगर हमको आय और व्यय में अपने संतुलन रखना है तो उसको बजट बना करके काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक परिवार का एक निश्चित टाइम पीरियड में अपनी आय व्यय का एक विवरण तैयार करना, ठीक है। और या तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बजट जो है वो हमारे आय और व्यय का क्या है, संतुलन होता है, जिसमें कुछ राशि हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखते हैं, ताकि मान लीजिए आगे आने पर या आने वाले टाइम पीरियड पर कोई भी आकस्मिक समस्या हो, बीमारी हो, दुर्घटना हो, या हमारे हायर एजुकेशन के लिए या शादी ब्याह के लिए, तो ये जो सेविंग होती है हम इसको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। जैसे बच्चों अभी देख रहे हो लॉकडाउन का पीरियड है, तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही हैं, तो वो अपने बचत यानी जो हमारी सेविंग्स है उन पर हम लोग जो है काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वो तीन कंसेप्ट है, आय, व्यय, बचत, और एक चौथा हमारा कंसेप्ट है बजट। तो बजट को सबसे पहले हम देख लें कि बजट का कुछ मद होता है। मद मतलब कि कुछ चीजों पर हम अपने आय को खर्च करते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है मान लो भोजन, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है आवास, चौथा है ईंधन, और पांचवा है शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। इसके अलावा हम इसको भी ऐड भी कर सकते हैं, कुछ हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं, कुछ हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमें घूमने का प्लान बनाना है तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, और कुछ हमारा जो है सेविंग होता है। तो ये इन मद के अलावा जो है वो भी कई तरह के मद होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एंजल्स लॉ की तरफ। तो बच्चों, एंजल्स जो है वो एक बहुत बड़े जर्मन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन दिया था, ठीक है। इनके अगर नियम को हम लोग ध्यान से देखें तो उन्होंने कुछ मद बनाए थे अपने बजट के, भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यानी पांच मद उनका तैयार हुआ था। उन्होंने अपने कंसेप्ट में कहा था कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाला व्यय कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाला व्यय कम होता जाता है, लेकिन वस्त्र पर, आवास पर,
और ईंधन पर, बिजली पर, ये जो अव्यय है ये स्थिर रहता है, यानी निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और धनी आय वर्ग, तीनों आय वर्ग में यह प्रतिशत, इसका प्रतिशत जो है वो स्थिर रहता है। लेकिन वहीं पर आय बढ़ने के साथ साथ दूसरे मदों पे, जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मनोरंजन पे, उस पर जो है मद वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे देख लीजिए, सबसे पहले इस चार्ट में दिखाया है, एंजल ने कहा कि भोजन पर सबसे ज्यादा व्यय निम्न आय वर्ग वाले करते, यानी 60% तक वो अपने आय का 60% खर्च भोजन पर करते हैं, जबकि मध्यम वर्गीय 55% करता है। वहीं धनी आय वर्ग वाले जो है वो सबसे कम, यानी 50% जो है वो भोजन पर खर्च करते हैं। अगर इसी संदर्भ में वस्त्र पर देखा जाए तो निम्न आय वर्ग के लोग 18% तक जो है वस्त्र पर खर्च करते हैं, मध्यम वर्गीय 18% करते हैं और धनी आय वर्ग भी 18% करते हैं। यानी निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो जो प्रतिशत व्यय है तीनों का वो स्थिर है, यानी तीनों में घटना बढ़ना नहीं है। उसी तरह से आवास पर देखें तो एंजल्स के अनुसार निम्न आय वर्ग अपनी आय का 12% आवास पर खर्च करता है, मध्यम वर्गीय भी 12% आवास पर खर्च करता है और धनी आय वर्ग भी 12% आवास पर खर्च करता है। यानी कि इस पर व्यय करने वाला प्रतिशत जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। उसी के तरह ईंधन है, ईंधन पर 5%, 5%, 5%, यानी तीनों वर्ग जो है वो 5% ही व्यय करते हैं और यह जो व्यय है वह भी स्थिर है। लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और मनोरंजन पर, जहां निम्न आय वर्ग केवल 5% खर्च करते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा की बहुत ज्यादा वो व्यय नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य पर भी वो नहीं कर पाते हैं, मनोरंजन के लिए उनका स्थिति उनकी नहीं उतनी रहती है, तो उनका प्रतिशत 5% है। लेकिन मध्यम आय वर्ग है वो अपने आय का 10% जो है इन तीनों चीज पर व्यय करते हैं, जबकि जो धनी आय वर्ग है उनका सबसे ज्यादा प्रतिशत है, जो 15% अपने आय का, अपने जो है एंजल्स ला के अनुसार अपने आय का 15% वो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर खर्च करते हैं। यानी कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रतिशत का दर क्या होता है, बढ़ता जाता है, किस पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर। तो एंजल्स ने ये बताया कि अगर एंजल्स के नियम के आधार पर निष्कर्ष देखें तो दो तरह के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, तीन तरह के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला कि जैसे जैसे आय हमारी बढ़ती है, निम्न वर्ग सबसे ज्यादा भोजन पर खर्च करता है, जबकि धनी वर्ग है वो भोजन पर सबसे कम खर्च करता है। लेकिन वस्त्र, आवास और ईंधन पर तीनों वर्ग के खर्च करने का प्रतिशत स्थिर है, यानी समान है, और वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर निम्न आय वर्ग सबसे कम खर्च करता है, मध्यम आय वर्ग उससे ज्यादा और धनी आय वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा व्यय करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एंजल्स ने अपने जो है नियम बताए थे। ठीक है, अब जैसे भोजन में देख लो, चाहे गरीब हो या अमीर, ठीक है ना, उस सबको भोजन की आवश्यकता है और अधिकांश व्यय हमारा भोजन पर ही होता है, ठीक है ना, और इसीलिए भोजन को हम लोग प्रथम स्थान पर रखे हैं। दूसरे स्थान पर मूलभूत आवश्यकता क्या है, वस्त्र है, तो वस्त्र पर को भी खरीदना पड़ता है, ठीक है ना, ये भी हमारे जरूरत की चीज है। आवास भी सबके लिए मूलभूत जरूरत है, रहने के लिए आवास की भी जरूरत होती है, तो उस पर मरम्मत है, देखभाल है, तो इस पर भी जो है व्यय तीनों में समान है। और उसी पर अगर हम लोग देख ले तो शिक्षा, अगर ईंधन पर देख ले तो ईंधन भी, जैसे बिजली का बिल देना हो, या हम पूरे तरह से तो ये चीज देखा जाए तो धनी वर्ग में बढ़ना चाहिए, लेकिन एंजल ने माना कि जो खर्च करने का प्रतिशत है वो तीनों पर समान तौर से लागू होता है। लेकिन अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर देखें तो देखो नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए क्या है, हमें शिक्षित होना जरूरी है, तो शिक्षा का महत्व तो मध्यम वर्गीय और धनी आय वर्ग में ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि वह अपने आय का ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और मनोरंजन पर व्यय करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या है कि हम लोगों को बजट
बहुत ही सोच समझ करके बनाना चाहिए। एक हाउस वाइफ की सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी बजट बनाने में दिखती है, और वो इन पांच मदों पर अपने आय का जो है बजट तैयार करती है। जैसे मान लो कि 10,000 उसकी आय है, तो मंथली इनकम है, ठीक है ना। तो अगर मंथली इनकम जो है 10,000 है, तो अब उस 10,000 पर भोजन पर कितना व्यय करना है, वस्त्र पर कितना करना है, आवास पर कितना करना है, ईंधन पर कितना करना है, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन में कितना करना है, इन बातों को ध्यान में रख करके वो अपना व्यय करे। और इसके बाद भी, व्यय करने के बाद भी ऐसा बजट तैयार करे कि उसके पास कुछ ना कुछ सेविंग जरूर हो। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, एक बजट की प्रक्रिया बना करके दिखाएंगे कि अगर एक महीने में 25,000 से 30,000 इनकम है, तो एक अच्छा यानी आदर्श बजट चार्ट हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।